नमस्कार, एक बार बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और पहले भी हम सबों ने आप सबों को बहुत बार रूबरू करवाए हैं इस रोड से, जो सामने आप देख सकते हैं कि ये बेंगाबाद लुप्पी मुख्य मार्ग है, जो कि इस मुख्य मार्ग से लगभग हजारों की संख्या में लोग गुजरते हैं। और ऐसा स्थिति और आलम है इस रोड का कि इतना जर्जर हो गया है कि यहाँ तक अभी तक कोई ऐसे जनप्रतिनिधि या फिर कोई प्रशासन, किसी के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया। पूरी तरीके से पूरा रोड को आप देखेंगे, जब आप इस रोड से गुजरेंगे तो आपको महसूस होगा कि ऐसे स्थिति में आखिर बेंगाबाद प्रखंड के लोग कैसे रह रहे हैं। एक बहुत ही चिंतित का विषय है इसका। लेकिन माले नेता, जो कि माले के द्वारा, भाकपा माले के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इस मुद्दा को कैसे उठाया जाए, ये जो प्रॉब्लम है, जो लोगों का, जो यहाँ के ग्रामीण का जो प्रॉब्लम है, उसे कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इसके लिए कुछ दिन पहले यहाँ पे रोड जाम भी किया गया था और 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया था कि अगर आप इस 3 दिन के अंदर यहाँ पे कोई नहीं आता है, किसी तरीके का सुनवाई नहीं होता है, तो जो प्रखंड कार्यालय है उसका घेराव करेंगे। उसी के क्रम में आज यहाँ पे माले के बहुत सारे नेता, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और एक जो है रणनीति तैयार कर रहे हैं कि कैसे आगे का जो कार्रवाई किया जाए, किस तरीके से लोगों का, जो यहाँ के लोग हैं जो परेशान हैं इतने दिनों से, चूँकि यहाँ का जो अभी आप बात करें तो विधायक जी भी एक बार भी नहीं आए हैं यहाँ पे देखने के लिए कि किस तरीके से लोग जीने को विवश है। इस रोड में जब भी लोग आते हैं तो बहुत सारी समस्या, जो स्टूडेंट है खास करके, चूंकि अभी लॉकडाउन के बाद स्कूल कॉलेजें भी खुल गए हैं, लेकिन ऐसा स्थिति है कि वो जाने के क्रम में उनका पैर गंदा हो जाता है, जूते जो है वो भींग जाते हैं, इतना पानी जम जाता है, जर्जर सड़क बन चुका है और अभी तक किसी ने नहीं लिया है सूद। तो इसी के क्रम में रणनीति तैयार करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, माले के पूरे जो हैं कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं, राजेश यादव भी आए हुए हैं। तो आइए, जो स्थानीय लोग हैं, गाँव के लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या ये रणनीति तैयार कर रहे हैं, आगे जो अगला कार्यक्रम जो इनका क्या रहेगा, क्या बताना चाहेंगे, कैसा अभी? हम बताना चाहेंगे ये कि रोड इतना ख़राब है, यहाँ का कोई भी बड़ा बड़ा पद वाला, जितना मुखिया है, प्रमुख है, या BDO है, या MP है, जैसे अन्नपूर्णा देवी, इधर से आते हैं उधर से चले जाते हैं, इधर फिर दोबारा रोड देख करके इधर वापस नहीं आते हैं। हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, बच्चा लोग का भी स्कूल जाने के लिए दिक्कत होता है, बाजार जाने में भी दिक्कत है, बीमारी लगने में भी दिक्कत होता है। हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह से रोड बन जाए। हम गरीब को यहाँ से कम 50 गांव से ऊपर हैं, सारे गांव का लोग का भी परेशानी झेलना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे सर, चूँकि जो आप लोगों ने पहल उठाया है, हालांकि अभी सुना नहीं गया है, देख रहे हैं आप वैसे ही स्थिति चल रहा है, तो आगे का रणनीति क्या तैयार कर रहे हैं आप? बेंगाबाद से लुप्पी रोड यहाँ 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन पूरे रोड यहाँ से एकदम जर्जर स्थिति में है, बड़े बड़े गड्ढा हो गया है। राजेश यादव ने आ करके 3 दिन के अल्टीमेटम दिया गया था, आज तक ले BDO साहब ने कोई भी सूद नहीं लिया गया है। हम लोग फिर 15 तारीख को प्रखंड मुख्यालय को हम लोग घेरने जा रहे हैं और BDO साहब अतिशीघ्र इस रोड को बनाने के, गड्ढा भराने के काम करेंगे। हमको यही क्या कहना चाहेंगे सर, चूंकि ये स्थिति बहुत ही दयनीय है, जो लोग आते हैं काफ़ी सारी समस्याएं करना पड़ता है उनको, तो कैसे होगा समस्या का समाधान? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, चाहे पार्टी या कोई कुछ हो, लेकिन इस रोड के लिए बहुत आवाज़ उठाया, लेकिन आज हमारे राजेश जी इसके लिए 3 दिन का अल्टीमेट दिए थे, उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं किया गया, इसलिए ये जो भी कदम उठाएंगे इनके साथ हम हैं। तो आप देख सकते हैं, अब हम यहाँ बात करते हैं भाकपा माले के राजेश यादव से, जो कि लगातार माले का ये प्रयास रहता है कि गरीब लोगों के बीच में वो जाते हैं, जहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम होता है तो हमेशा वो खड़े रहते हैं एक परिवार की तरह, एक हमेशा हर एक चीज़ में खड़े रहते हैं। और आज इस जर्जर रोड को ये एक मुद्दा के द्वारा जो उठाया गया है, क्या कहना चाहेंगे, चूँकि 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो अगला जो कार्यक्रम होगा इनका क्या होगा, किस तरीके से करेंगे, आइए इन्हीं से जानते हैं। जी सर, विगत 8 तारीख को हम लोगों ने यहाँ के लोगों को साथ लेकर के और प्रशासन को एक अल्टीमेटम दिया था कि इस रास्ते से होकर के इस प्रखंड की 25% आबादी आना जाना करती है और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सड़क है, और जितना महत्वपूर्ण सड़क है उतना ही ज़्यादा भी जर्जर हो चुका है। 8 तारीख का अल्टीमेटम जो 3 दिन का दिया गया था, आज 11 तारीख है, यानी कि आज उनका अल्टीमेटम का समय ख़त्म हुआ है। और हम लोगों ने कहा था कि यहाँ के लोगों के साथ बैठ करके हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे और अब जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे। हर हाल में इस सड़क का हम लोग को पुनरुद्धार चाहिए, फिर से निर्माण चाहिए, ताकि लोगों का आने जाने का सुविधा हो। तो अभी यहाँ हम लोग फुरसोटी में बैठे हैं, यहाँ बहुत सारे हमारे गणमान्य लोग हैं, हमारे माननीय यहाँ मुखिया जी भी हैं और भी लोग हैं, सभी गणमान्य लोग हैं। अभी हम लोगों ने मिल करके ये तय किया है कि 3 दिन का अल्टीमेटम समाप्त हुआ है, तो हम लोग अब और 3 दिन इसकी तैयारी करते हैं।
इसके लिए जरूरत पड़ेगा तो इस सभी हम लोग अगल बगल ये जितने गांव हैं घघरा कर्माटाड़ हाडोडी फुरसोडी ये सभी गांव में हम लोग घर घर जाकर के लोगों को इसके लिए जागरूक करेंगे और 15 तारीख का हम लोग एक डेट तय कर रहे हैं। उस डेट को हम सभी लोग यहां से पदयात्रा निकालेंगे प्रखंड मुख्यालय तक और हम लोग जाकर के वीडियो के सामने सीधा सवाल रखेंगे कि हमारा सड़क बनाइए नहीं तो हम लोग अब यहीं रहेंगे, आपको यहाँ कोई मतलब उस सड़क को नहीं बनने से आपको यहाँ रहने का कोई फिर औचित्य नहीं रहेगा, इसलिए हर हालत में इसका आपको कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। ये सवाल लेकर के हम लोग 15 तारीख को जाएंगे, यही यहाँ निर्णय हुआ है और यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने इस मूवमेंट को इस आंदोलन को इस पदयात्रा को समर्थन देने का घोषणा किया है। तो हम प्रशासन से फिर आग्रह करेंगे कि अगर वो 3 दिन का समय बीता है अभी और 2 दिन समय है वो अगर चाहें तो इस बीच में इसका कोई रास्ता नहीं अगर नहीं निकालेंगे तो 15 का आंदोलन हम लोग करेंगे। सर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेंगाबाद के और भी बहुत सारे रोड हैं जो पूरी तरीके से जर्जर है, जैसे आपका खरिकडीहा हो गया और इधर हो गया महसमुंडा वाले। तो यहाँ की जो सरकार है जो कांग्रेस के नेता हैं जो विधायक हैं स्थानीय विधायक हैं तो उनके लिए क्या मैसेज, चूँकि अभी तक वो आए नहीं है इस तरीके से जिस तरीके से है उनको हालांकि कदम उठाना चाहिए चूँकि जर्जर रोड जिस स्थिति में है लोग काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए हमने उस दिन भी कहा था 8 तारीख को, आज हम फिर दोहरा रहे हैं, हम उस चीज़ को बोलना नहीं चाहते थे। रिकॉर्ड वोट से यहाँ हमारी MP अभी जो हैं वो जीती हुई हैं, भाजपा से ताल्लुक़ रखती हैं। यहाँ हमारे MLA हैं उन्होंने भी गांडे के ख्याल से एक रिकॉर्ड वोट ला करके वो भी MLA बने हैं और MLA साहब ने अभी कुछ दिन पहले यहाँ ब्लॉक में एक ऑफिस का भी उन्होंने उद्घाटन किया कि वहाँ पर लोग अपने सवाल को जा करके रखेंगे। तो सवाल तो चारों तरफ मुंह बाए खड़े हैं, सवाल सिर्फ सुनने के ख्याल से अगर वो ऑफिस खोले हैं तो कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि वो इस इलाके की समस्याओं से अवगत नहीं हैं। वो सारी समस्याओं से अवगत हैं और इस बार एक संयोग है, इसके पहले भी संयोग था जब हमारे जयप्रकाश वर्मा जी यहाँ माननीय विधायक थे उनकी भी सरकार थी, अब हमारे माननीय डॉक्टर सरफराज अहमद जी यहाँ पर अभी MLA हैं उनकी भी सरकार है, हमारे माननीय सांसद महोदया वो यहाँ से अगर रिकॉर्ड वोट से जीती है तो उनका भी दिल्ली में सरकार है, ये सभी सरकार वाले ही हमारे प्रतिनिधि मतलब यहाँ रहे या अभी भी हैं। और इसके बावजूद भी यदि एक सड़क या इस आपने कहा कि भाई बेंगाबाद के हम अभी आज भी बेंगाबाद चौक से खरकडिया होते हुए हम ओझाडी से होकर के पूरा आपको तेलोनारी होकर के पूरा एक हम अभी चक्कर काट के आ रहे हैं, हम सड़कों का ही स्थिति देखने गए थे, चारों तरफ की सड़कों का एक ही हाल है और प्रतिनिधि मौन है, MP MLA चुप हैं, तो ये एक बड़ा सवाल है। तब यहाँ के लोगों को इस बात को सोचना चाहिए कि हम लोग जब चुनाव में वोट करते हैं जब हम लोग इलेक्शन में जब वोट देते हैं तो शायद हमारे लिए प्राथमिकता सड़क नहीं रहता है, शायद हमारे लिए प्राथमिकता यहाँ पर और भी जो हमारे जन सवाल हैं वो शायद हमारे प्राथमिकता में नहीं रहता है, जिस कारण से बाद में प्रतिनिधि भी वो मतलब अपना जिम्मेवारी से भूल जाते हैं। तो हम यहाँ के लोगों से भी आग्रह और अपील करेंगे कि आप जब वोट करते हैं तो निश्चित रूप से अपने सवालों को सामने रख करके वोट किया करें और उसी पर आपकी राजनीति है, नहीं तो इस राजनीति का कोई मतलब नहीं, लोग दल बदल करके MP MLA बन जाते हैं लेकिन जनता को इन्हीं सड़कों से डूब के गिर के पड़ के हाथ पैर तुड़वा करके जाना पड़ता है। तो ये सवाल यहाँ के लोगों को सोचने की ज़रूरत है और हम समझते हैं कि जनता समझदार है, वो ज़रूर इस बात को समझने का काम करेगी। फिलहाल हम लोग एक ही चीज़ को कंसंट्रेट किए हैं कि हम लोग 15 तारीख को यहाँ के लोग जो इस सड़क से परेशान हैं हम लोग यहाँ 15 तारीख को पदयात्रा लेकर के हम लोग वीडियो के सामने जा करके अपना आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे उनसे भी जानते हैं कि क्या रणनीति, क्या सर कैसा है मतलब क्या आगे का। हम तो अब तो बोलते बोलते थक गए हैं, अब अंतिम लड़ाई है 15 तारीख को, हम लोग यहाँ से पैदल यात्रा ब्लॉक तक जाएंगे और प्रखंड का घेराव करेंगे और प्रखंड विकास पदाधिकारी से हमारा एक ही सवाल रहेगा कि आप रोड का मरम्मति या निर्माण कब तक कराएंगे, और जब तक आप नहीं कराइएगा तब तक हम लोग प्रखंड मुख्यालय के दरवाजा पर ही बैठे रहेंगे और जाम कर देंगे। धन्यवाद। आप यहाँ के स्थानीय क्या बोलना चाहेंगे, कितना दिक्कत का सामना करना? दिक्कत तो बहुत है, जैसे सड़क में पूरा गड्ढा है, आने जाने में सबों को परेशानी होता है, यही सब परेशानी से हम लोग तंग हैं, लेकिन हम लोग के पास कुछ उपाय भी नहीं है, जब तक प्रतिनिधि चाहे प्रशासन नहीं कुछ करता है
इसके पीछे में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे रणनीति तैयार किया गया है कि 15 तारीख को यहाँ के जो ग्रामीण हैं, स्थानीय ग्रामीण और मालिक के नेता, ये सारे लोग वहाँ पे जाएंगे वीडियो के समक्ष और वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे का कार्रवाई क्या होता है वो देखना होगा। कौन कब इसका सोल्यूशन होता है इस बेंगाबाद लुप्पी मुखमार का, वो देखने का रहेगा कि देखते हैं क्या और कैसे इस पे जो है पहल होता है। तो बने रहें BNB के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। सहयोगी प्रेम कुमार माही के साथ मिथुन हंसराज, बेंगाबाद। मैं आरती, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहें BNB के साथ और वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो बने रहें BNB के साथ, BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद।